Hi guys, this is your host Muskan from Mirza Properties and welcome back to our channel. Now, आज मैं आपके लिए जो project लेकर आई हूँ, as you can see, वो project मैंने enter कर लिया है. This is the lobby of our project. प्रोजेक्ट हमारा लोकेटेड है तलुजा फेस 2 में. प्रोजेक्ट का नाम है गीतांजलि सॉलिटेयर. नो, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो सिंगल टावर है 23 स्टोरी का, जिसपे यू विल बी हैविंग 1 and 2 BHK का कॉन्फ़िगरेशन. हर फ्लोर पे यहाँ पे 6 फ्लैट्स होंगे. फ्लैट्स बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है एंड एज यू कैन सी ओवर हियर वी हैव 3 लिफ्ट. One is the cargo lift and the other two are the common lift. Now, अगर मैं connectivity की बात करूँ तो हमारे projects से जस्ट सामने ही आपका बस स्टॉप है, जहाँ से आपको खारगर एंड बेलापुर दोनों की बसेस मिल जाएंगी. ऑटो स्टैंड भी जस्ट सामने ही है. तलुजा खारगर का यहाँ पे फ्लाईओवर है दैट कनेक्ट्स तलुजा टू खारगर, विच इज़ जस्ट 300 meters अवे. यहाँ से 5 to 15 minutes के रेडियस पे आपको स्कूल्स, कॉलेजेस, आपको बेसिक नेसेसिटीज़ जो भी है, सुपर मार्केट्स एंड ऑल, सब आपको हमारे 5 minutes to 15 minutes के ड्राइव पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी. नाउ लेट्स मूव अहेड, हम प्रोजेक्ट की और थोड़ी डिटेल्स की बात करते हैं. सो ये हमारा प्रोजेक्ट का मॉडल है. सो एज़ यू कैन सी, यहाँ पर इफ़ यू कम ओवर हियर आपको एंट्री एग्जिट मिलेगा, जो हमारा फ्रंट फेसिंग है. यहाँ पर आपकी रिटेल शॉप्स होंगी, प्लस यू विल हैव अ हॉस्पिटल. सो दैट इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. नाउ कमिंग टू हियर, आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपका पार्किंग है. सो आपको कवर्ड पार्किंग मिलने वाली है, जो कि आपकी होगी 15 feet हाइट की, विच मीन्स अगर इन फ्यूचर अगर एक फैमिली है उसको सेकेंड कार लेनी है तो वहाँ पर वो फर्स्ट पार्किंग के ऊपर स्टेज लगा के सेकेंड कार पार्क कर सकते हैं, विच मेक्स इट रियली कन्वीनियंट फॉर अ फैमिली. नाउ कमिंग टू द इम्यूनिटीज़ पार्ट, सो 38,000 square feet का इम्यूनिटीज़ कवर करता है. नाउ इम्यूनिटीज़ में 3 पार्ट है, स्पोर्ट्स, इंडोर एंड आउटडोर. नाउ इफ़ यू कम ओवर हियर, यहाँ पे आई विल बी टॉकिंग अबाउट आउटडोर फर्स्ट. यहाँ पे हमारा इन्फिनिटी पूल है विद जकूजी. तो इन्फिनिटी पूल का बेस्ट पार्ट ये है कि आपका नॉन स्टॉप वाटर फिल्टर होता रहता है, सो क्लीननेस इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट ऑफ दिस. 24 hours यू हैव अ वेरी क्लीन वाटर इन द स्विमिंग पूल. प्लस साइड में इफ यू विल सी, यू हैव सिटिंग डेक. यहाँ पे इस तरफ शिफ्ट हो जाओगे तो आपको यहाँ पे एक लॉन दिखेगा. सो दिस इज़ द लॉन जहाँ पे ऑलमोस्ट 50 to 60 लोगों का कैपेसिटी होल्ड करता है. आप यहाँ पर साइड पे देखेंगे तो यू विल सी अ जॉगिंग ट्रैक और वॉकिंग ट्रैक इज़ वेल, जो हमारा ऑलमोस्ट 0.5 kilometer का है. यहाँ पर आपका गजीबो है जो सिटिंग यहाँ पर है विद फाउंटेन ऑन द साइड. सो यूजुअली जो ये फैसिलिटीज़ या जो भी एमिनिटीज़ है ये एक सिंगल टावर में नहीं मिलती है, एक टाउनशिप में मिलती है. यहाँ पे इसका बेस्ट पार्ट ये है कि जो आपके साइड में छोटे छोटे मिनी फाउंटेन्स होंगे वो आपको एक बहुत पॉजिटिव वाइब देंगे. पॉजिटिविटी के हिसाब से उन्होंने सोचा है ऐसा. कमिंग बैक टू द स्पोर्ट्स एमिनिटीज़, यू विल बी हैविंग किड्स प्ले एरिया. यू हैव मल्टीपर्पज कोर्ट जिसमें आप बास्केटबॉल खेल सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं. यू हैव क्रिकेट पिच एज वेल. तो ये हमारा स्पोर्ट्स का हो गया. यू हैव क्लब हाउस इन साइड जहाँ पर आपका जिम होता है, जो अगेन 2,500 square feet का आपका जिम है, विच इज़ रियली नाइस. प्लस आपकी जो अंदर क्लब हाउस में जो गेम्स जो भी स्पोर्ट्स होंगे दैट विल बी. नाउ लेट्स मूव अहेड, हम प्रोजेक्ट के अंदर हमारे जो सैम्पल फ्लैट्स हैं वो देखते हैं. सो लेट्स मूव अहेड और हम अपना सैम्पल फ्लैट देखते हैं. तो ये हमारा 1 BHK का सैम्पल फ्लैट है, जिसका टोटल कारपेट एरिया 459 का है. सो दिस इज़ द लिविंग हॉल. यहाँ पे आप जैसे डिज़ाइन करना चाहते हैं आप वैसे कर सकते हैं. यू कैन हैव अ लुक अराउंड. लेट्स मूव अहेड टू द किचन. सो ये हमारा किचन है, 7 by 7.6 का इसका टोटल एरिया है. सिंगल प्लेटफॉर्म है, प्लस यू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस ऑफ एयर. तो यहाँ पर भी आपको कोई शेल्फ बनाना है या आपको कैबिनेट बनाने हैं, यू कैन बिल्ड दैट, क्योंकि काफ़ी स्पेस है. मॉड्यूलर किचन डिज़ाइन कर सकते हैं, टाइल्स भी आप देख सकते हैं, टाइल्स आर ऑल्सो वेरी नाइस. लेट्स मूव अहेड, इन एग्जैक्टली हमारे किचन के सामने है हमारा कॉमन वॉशरूम. 7 by 4 का इसका टोटल एरिया है.
ये इंडियन है, यू कैन मेक इट वेस्टर्न, इंडियन, वॉट एवर यू लाइक. ये आपका शावर एरिया है एंड दिस वुड बी द ड्राई एरिया. सो ये आपका ड्राई एरिया होगा. लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द बेडरूम. 11 by 9.3 का हमारा ये मास्टर बेडरूम है. ये हमारा 1 BHK का बेडरूम है. सो यहाँ पे मैंने आपको सारे साइजेस बता दिए हैं टू गिव यू एन आइडिया कि आप कैसे इसको डिज़ाइन कर सकते हैं. यू कैन इमेजिन इट हाउ इट इज़. एंड दैट इज़ द वॉशरूम. हमारे मास्टर बेडरूम का वहाँ पे वॉशरूम है. अगेन ये टूर ऑफ 1 BHK था. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑफ द 2 BHK. So let's have a tour of the 2 BHK, जिसका total carpet area है 757 का. So that this is the living hall. As you can see, काफ़ी spacious है. यहाँ का view आप देखिए तो view आपको ऐसा मिल रहा है. 10.6 by 15.9 का ये total living area का size है. तो मैं आपको sizes बताने वाली हूँ तो you will have an idea. Now this is the dining area. 7.9 by 7 का हमारा ये dining area है. किचन की exactly सामने है. Plus this is a plus point of this flat. यहाँ पर उन्होंने window दी हुई है cross ventilation के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है. किचन में तो must required होता है. Now this is the kitchen. 7.6 by 8.6 का हमारा total इसका साइज़ है. डबल प्लेटफॉर्म के यहाँ पे किचन है. टाइल्स भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी टाइल्स हैं. इनके टाइल्स की फिनिशिंग भी बहुत ज़्यादा प्यारी है. अगेन स्टोरेज स्पेस इज़ सफिशिएंट इनफ टू बी यूज. मॉडुलर किचन डिज़ाइन कर सकते हैं बहुत अच्छे से. नाउ लेट्स मूव अहेड. सो ये है हमारा कॉमन बेडरूम. 9.6 by 11 का इसका टोटल एरिया है. ऊपर आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर आप फॉल सीलिंग बना सकते हैं बहुत अच्छे से. सो दिस इज़ इट. यहाँ पे उन्होंने सॉकेट्स वगैरह सब दिए हुए हैं. आपको टेलीविज़न अब ये करना है सेटअप, आपको और कुछ सेटअप करना है उसके लिए. इट्स वेरी नाइस. एग्जैक्टली इसके सामने हमारा कॉमन वॉशरूम है. 4 by 7 का है इसका साइज़. सो वेस्टर्न स्टाइल का वॉशरूम है. टाइल्स भी आप देख सकते हैं. आई रियली लव द टेक्सचर एंड द कलर ऑफ द टाइल्स. तो काफ़ी डिसेंट एंड सोबर टाइप की जो टाइल्स है उनका कलर कॉम्बिनेशन है. प्लस दिस इज़ द ड्राई एरिया. सो ड्राई एरिया भी यहाँ पर काफ़ी बड़ा है. इनफ स्पेस है यहाँ पर. वॉशिंग मशीन का यहाँ पे सेटअप दिया हुआ है. सो आप वॉशिंग मशीन यहाँ पे सेट कर सकते हैं. लेट्स मूव अहेड टू द बेडरूम. सो ये हमारा मास्टर बेडरूम है. जैसे ही आप एंटर करते हैं आपके राइट हैंड साइड पर यहाँ पर वॉशरूम है. अगेन वेस्टर्न स्टाइल का वॉशरूम है. अगेन यहाँ पर आप टाइल्स देखेंगे, पूरी ऊपर तक टाइल्स है. इनका भी जो पैटर्न है, इनका भी जो यू नो डिज़ाइन एंड जो कलर कॉम्बिनेशन है, इट्स रियली नाइस. फिटिंग्स एंड ऑल सारी ब्रांडेड है. यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इन्होंने डिज़ाइन किया है. बहुत क्यूट सा हमारा ये फ्लैट है. एंड दिस इज़ द बेडरूम. 11.6 by 10.3 का हमारे इस बेडरूम का साइज़ है. यू कैन हैव अ लुक अराउंड. यहाँ पे आप कैसे बनाना चाहते हैं बना सकते. तो इस वीडियो में मैंने 1 BHK एंड 2 BHK दोनों का टूर दे दिया है. आई होप आपको ये टूर काफ़ी अच्छे समझ में आ गया हो. आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया हुआ है. सो यू कैन कॉल अस. अगर हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो व्हेन नेसेसरी. थैंक यू सो मच एंड होप टू सी यू अगेन.